एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश सिक्स क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर वन जो है वो सोल्व करना सिखाऊंगी। तो इसमें जो दी गई है वर्कशीट, ये उड़ान करी पुस्तिका से ली गई है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले नाउंस, नाउंस को बताया गया है। क्या है नाउंस? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ऑल क्या है नाउन? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। इट कैन बी द नेम ऑफ ए पर्सन, ये क्या हो सकते हैं? पर्सन नेम, प्लेस नेम, एनिमल्स पशुओं के नाम, एंड थिंग्स नेम। ठीक है, तो नाउन्स आर डिवाइडेड इंटू फाइव पार्ट, इसको पांच भागों में बांट सकते हैं। पहले ये कंफर्म कर लें कि नाउन्स क्या हैं। तो नाउन जो सभी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, उन जिनके नाम हैं तो वो सभी नाउन हैं। जैसे कि पेन, बेंच, राम, मोहन, दिल्ली, आगरा इत्यादि। ठीक है, तो आगे नाउन को फाइव टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अब वन बाय वन करके हम इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं और इनका मीनिंग जान लेते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कौन सी नाउन होती है? जो नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स होते हैं। पार्टिकुलर वर्ड इसलिए क्योंकि खास, विशेष, जैसे कि पर्सन में आ जाते हैं राम, दिल्ली, प्लेस में आ जाता है, और एनिमल्स में इसी तरह से जैसे टाइगर जो वर्ड है वो आ जाता है टाइगर, लॉयन। लेकिन अगर इनके साथ लॉयन और टाइगर के साथ जैसे कि एशियन लॉयन, तो वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, वैसे एनिमल जो वर्ड है ये कैसा है? एनिमल्स में ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ ये आपकी कॉमन नाउन भी बन जाती। लेकिन जब हम इसके साथ स्पेसिफिक नेम जोड़ देते हैं तो वो आपकी प्रॉपर नाउन हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं कॉमन नाउन, नेम विच आर यूज कॉमनली फॉर वन कैटेगरी। ठीक है, केवल एक ग्रुप के लिए, एक वर्ग के लिए यूज होने वाला नाम, तो वो कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे इसमें क्लास दिया गया है वर्ड, क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, या इसमें क्या है? स्टूडेंट्स। तो ये पूरा जो क्लास वर्ड है वो क्या है? स्टूडेंट्स के कैटेगरी को बता रहा है। नेक्स्ट गर्ल्स, गर्ल्स में ऑल गर्ल्स, यहाँ कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है, नाम नहीं दिया गया है। अगर नाम दिया होता किसी गर्ल का, जैसे सीता, तो आपकी प्रॉपर नाउन हो जाती। इसी तरह से स्कूल, तो ये सारी की सारी क्या है? कॉमन नाउन, बैग, जिराफ एटसेट्रा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम विच एक्सप्रेस समवनस फीलिंग, इमोशंस और आइडियाज। वो नाम जो किसी भी व्यक्ति के फीलिंग, भावनाओं को, इमोशंस, भावों को, जैसे खुशी के, दुख के, और आइडियाज, विचारों को प्रस्तुत करे, तो वो क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। जैसे इसमें कौन सी है? हैप्पीनेस दिया गया है, एग्जाम्पल ट्रुथ दिया गया है, लव, तो ये किसी भी व्यक्ति की हैप्पीनेस वो चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं देती, ना हम इसको टच कर सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रुथ और लव सिर्फ ये क्या होते हैं? ये इमोशंस होते हैं और हमारी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं, हमारे विचार हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे कि कोई अवस्था हो सकती है जीवन की, चाइल्डहुड, तो ये भी क्या है? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट लेते हैं मटेरियलिस्टिक नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। वर्ड्स थ्रू विच We come to know about any material, fabric, or जैसे कि metal, easy, example बाद में लेंगे, कि वो noun जिनके द्वारा हम किसी भी धातु, fabric, कपड़ा और metal के बारे में जाने, जैसे कि
जूट्स, या इसको इस नाउन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जिन नाउन से या जिन शब्दों से, वो शब्द जिनसे आगे और वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जैसे जूट है, तो जूट जो है एक फैब्रिक है, लेकिन इसे जैसे चटाइयाँ, कपड़े, बैग्स इस तरह से बन सकते हैं। तो वो दोज नाउन्स विच अदर थिंग्स आर मेड आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। कॉटन, कॉटन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। गोल्ड इसी तरह से हो गया, मेटल है। एल्यूमिनियम भी मेटल है, तो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, या और बहुत सी जगह जिसे काम आता है, इसी तरह से गोल्ड। नेक्स्ट लेते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नेम विच आर गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग सेम काइंड ऑफ वर्क, और कलेक्टिवली वन नेम गिवन टू वन काइंड ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो वो नाम जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन, जो व्यक्तियों का समूह काम करता है, उसके लिए यूज होता है, या परफॉर्म सेम काइंड ऑफ वर्क, एक जैसा ही कार्य करती हैं, तो उसको क्या नाम देते हैं, समूहवाचक। तो या एक ही प्रकार के काम को करने वाले व्यक्तियों के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर क्या करते हैं, एक टीम में खेलते हैं, टीम, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीम वर्ड है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक गुच्छा, तो बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन। फ्लोक, स्टैक, काइट ऑफ बुक्स एंड पैक, ये सभी क्या है, ग्रुप्स नेम है। अब नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है, यूज द करेक्ट नाउन। करेक्ट नाउन का यूज करना है, और ये फिलअप हमने भरने हैं या बॉक्स में से पिकअप करके। जैसे कि इसमें फर्स्ट दिया गया है, यू नीड डैश टू लर्न न्यू थिंग्स, तो तुम्हें नई चीजें सीखने के लिए किस चीज की जरूरत है। जैसे कि इसमें जो वर्ड दिए गए हैं, तो यहाँ ये आएगा आपका पैशन, यहाँ ये हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज कॉल्ड एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो इंडिया का स्विट्जरलैंड किसको कह सकते हैं, स्विट्जरलैंड से जिसकी तुलना की गई है, कंपैरिजन की गई है। जब दो चीज़ की एक जैसी कंपैरिजन की जाती है, तो वहाँ क्या है, आपकी प्रॉपर नाउन आती है। तो यहाँ ये जो कश्मीर है, यहाँ आ जाएगा टू में। डू नॉट वी वियर टाइट, क्या मत पहनो, तो इसमें देखो पहनने वाली चीज कौन सी है, ट्राउजर है, तो यहाँ आ जाएगा ट्राउजर। डैश हिज डैश मेक्स मी हैप्पी, तो यहाँ क्या आएगा, हिज डैश मेक्स मी हैप्पी, कि उसका रहना या न रहना मुझे खुश करता है, तो यहाँ आ जाएगा प्रेजेंस, प्रेजेंस ये रहा आपका। नेक्स्ट है डैश ओ प्लेयर्स इज गोइंग फॉर टूर्नामेंट, जैसे अभी भी प्लेयर्स की क्या होती है, टीम, तो टीम इसमें ढूंढते हैं, ये रहा टीम, तो टीम यहाँ आ जाएगा फिफ्थ में। नेक्स्ट है लीडर डिलीवर्ड ए डैश ऑन दिस ओकेशन, अब जो लीडर है वो क्या करेगा, स्पीच देगा, है स्पीच, तो ये रही, ठीक है। तो सिक्स में ये आ जाता है। नेक्स्ट है डैश आइडियाज टू गुड हेल्थ, कैसे आइडियाज हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, हैप्पीनेस, तो यहाँ पे आ जाएगा ये सेवंथ वाला। द वुड कटर आस्क्स हिज सन टू ब्रिंग ए डैश ऑफ स्टिक, तो स्टिक्स क्या क्या होगा, बंडल, तो ये एट ये है, बंडल हो जाता है। नेक्स्ट है वी वेलकम्ड आवर गेस्ट विद ए डैश ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या क्या होता है, बंच, तो ये यहाँ पे आ जाता है नाइन्थ में, बंच, ठीक है। फिर रह जाता है एक डैश इज द बेस्ट पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, ऑनेस्टी, तो एक ही बचा है, जैसे ये टेंथ में आ जाता है। तो ये एक वर्कशीट हमारी सोल्ड हो जाती है, इस वीडियो में एक ही वर्कशीट सोल्व करेंगे, नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज थैंक फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।